मीमापुर के चैनल से फिर से मीम्स आ गए हैं आज हमको देखने के लिए। ताजे ताजे मीम्स आज हम देखने जा रहे हैं बाय मीमापुर द क्वालिटी कॉन्टेंट। और आज क्या नया मिलने वाला है हमें देखेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि ये पुलिस वो वाला मीम था ना, मुझे लगा था बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, लेकिन एक दो दिन में वो भी सुन लो मतलब इतना शांत हो गया था। देखेंगे अब इसमें नया क्या मिलता है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो ऑफ मीमापुर इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। समान समून तुझे काट लोटा करो। इधर सारी पुलसा तो कुछ पहले ही आने वाला है बाबा यार। डरो ना मतलब मोडी भाई। अच्छा मोडी भाई कराया बाबा यार। तो कैसे हो मीमापुर वासियों, मीमापुर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइस हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी सिर्फ फन के लिए होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, सिर्फ मजे लो। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर 2 घंटे चलाना है तो चलाओ, लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि 2 से 4 चलाएंगे, उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए। दूसरा आजकल और भी कई प्रॉब्लम, लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत है, एंबिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको, यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना टाइम टेबल बनाएगा, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद करेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल, गड़बड़ हो गया था। नमस्ते कर रहे हो तुम मिलते? सत्रीकाल जी। बोल रहा था मैं सिनाज गिल मैडम का बड़ा फैन। इसको मैंने ट्रेनिंग दी हुई कि जो भी मेरे साथ बैठा हो तूने बोलना ही बोलना कि मैं तुम्हारा फैन। नहीं नहीं सीरियसली है ना राजन, है देखता है इनके वीडियो? देखा। कब देखता है इनके वीडियो? रात को तो देख। अरे बोल ना, बोल दिया। देखने वाले वीडियो है। ये देखो मुझे तुम्हारे जूते मिल गए हैं, ये तुमने जानबूझकर खोए थे ना? आपने कमाल की जासूसी से मैम, आपने कर दिखाया लेडी डिटेक्टिव। मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर फेंक दिए थे, लेकिन जूता क्यों? क्योंकि मैम आप बहुत तेज साइकिल चला रही थी और मुझे और कुछ मिला नहीं। इतने छोटे बच्चों को भी अगली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर गेंदबाज, और ये शॉर्ट बॉल काफी जोर से इसको पुल कर दिया, ये गेंद सीधा आसमान की ओर जाती है, शायद आसमान तोड़ देगी, यहाँ पर मिस फील्ड हो रही है। आईपीएल का क्या एग्जाम? बहुत अच्छा गया। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? मतलब जो होता है। अच्छा कितना देर पढ़े थे एग्जाम के लिए? 2-3 घंटा तो पढ़वे किए थे घर में। 24 घंटा क्या कर रहे? वो मजा करते थे, माल देखो पटेले बात। ये बात बहन के किसी एकेडमिक चीजों की, तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए। हम लोग किस पे भाग रहे हैं? एजुकेशन पे, स्किल्ड पे नहीं भाग रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए। हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक यूनिवर्सिटी आप खोलो, हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बुरा मत मानना कि तुम एक भिखारी हो, और मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा एक चैनल में जिसमें तुमने ऐसे कहा कि तुमने बहुत गरीबी देखी है, मेरे आंखों से बिस्तरी आ गया, मैं एक खरबोपति की औलाद हूँ, आपको तो पता ही है, आपको जो भी पैसे लगेंगे आप मुझसे मांग लेना। सुन तेरी बात नाच ना, तेरी ये बीना बहुत हो गई, समझ रहे हो? अबे क्या खुश हो गई है, पुरानी हो गई है। छोटी सी, नन्नी सी, प्यारी सी, शरीफ सी नागिन, कभी अपने बिल से नहीं निकली। कभी अपने बिल से नहीं निकली, जब भी इसके बिल से निकला नाग निकला मस्त होके। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%?
100%? जी हाँ सर। जब जेब काटने घुसते हैं एक बस में तो कितने लोग होते हैं आप लोग? बस में हम अगर हम घुसते हैं तो 5 लोग होते हैं। अच्छा। हम अपने करके अच्छा। खड़ा रहता है, आसपास हम घेर लेते हैं। अच्छा। धीरे से दो उंगली डाली, काम हो गया। अरे देवा। और अगर पकड़े गए तो? पिटते रहो लेकिन नाम नहीं लेना। और जो मारने वाला बंदा होता है उनमें हमारा एक बंदा होता है, वो मारता रहता है, बाद में बोलता है चलो छोड़ो बहुत मार लिया, अब इसे मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ। जैसे वो लोग जाते हैं हम लोग भी घर आ जाते हैं। आपने चाबी मांगी है? हमने ये आवाज सुनी थी, बहुत स्मार्ट रोड पे हूँ। वहीं से आएंगे ना, वहीं से तो आ रहे थे। पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो। रिकॉर्ड करो सर, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो आप अगर तेज चलाई हो तो। घर में बाप बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, फेसबुक में डालना, इंस्टाग्राम में डालना, यूट्यूब सब डालना। सर अब आप गलत बातें कर रहे हो। आपका हेलमेट कहाँ है सर? आपका हेलमेट कहाँ है अभी? नहीं एक सेकंड, आपका हेलमेट कहाँ है सर? ये फंस गया। हेलमेट रखा हुआ? कहाँ रखा है सर? कोरोना के टाइम पे आपका मास्क नीचे कैसे? Calm down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Not bad, not bad. Now you. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know that from younger. कि हम घंटों आसमान के नीचे घास पर सपने देखा करते थे। सपने नहीं देखता था मैं ऊपर को देखता, सोचता था घास पे लेटे में कोई शायद कमरा डाल जाए। फेल होंगे क्या? नहीं, ओए लड़की के चक्कर में कितना पढ़ाई होगा? क्या 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 बोला? लड़की के चक्कर में आप इतना खूबसूरत होके आएंगी तो मीडिया वाला तो पढ़ाई होगा। अच्छा कल पढ़ाई नहीं होगा? नहीं होगा। आप बताइए, नींद नहीं आएगा? रात को नींद नहीं आएगा? क्यों रात को नींद नहीं आएगा? नहीं आएगा, लिपस्टिक इतना भारी करे हुए है तब। जैसे कि IPL स्टार्ट होने वाला है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। और आपका? सैम करन। अच्छा। आपका फेवरेट प्लेयर? मेरा विराट कोहली है। अच्छा विराट कोहली। जैसा कि आपने भी वाइट ड्रेस पहनी है तो आप भी खेलते हो क्या? हाँ मैं भी खेलता हूँ। मैं तो इतना खेलता हूँ कि स्कूल से मेरा 2 बार नाम कटते कटते बचा है। घर वाले सब बोलते हैं मत खेला कर, लेकिन नहीं मैं तो खेलता हूँ। ये जो है ना मेरे खून में भरा है वो तो मैं खेलता हूँ। अच्छा कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं ताश खेलता हूँ। सीरियस बोल रहा था, मुझे लगा क्रिकेट खेल रहा है, ताश खेलता है। ये जो मतलब बंदा है ना, इतना वायरल हो रहा है इसके वीडियो। जिसके पहले हमने देखा था वो भंडारा वाला, और उसके पहले हमने देखा था वो जूस के सेंटर वाला, और एक फ्रूट मार्केट वाला। इतने वायरल हो रहा है ना भाई साहब वो बंदा। आए हाय, मतलब कामयाब मुबारक हो पहली बात तो, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी शुक्रिया यार। और आज तो धमाकेदार मीम्स थे मीमापुर के, क्या बोलते हो है ना। मतलब क्वालिटी के साथ साथ भरपूर एंटरटेनमेंट मिला है मुझे तो आज। मजा आ गया, सच्ची मजा आ गया, आई लव इट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।